शांति। आज की मेडिटेशन कमेंट्री है, कोई बीमार या रोगी आत्मा को सकाश देने की विधि। हम इस मेडिटेशन कमेंट्री में सूक्ष्म वतन में वह बीमार आत्मा को इमर्ज कर परमात्मा द्वारा दिव्य शक्तियों की किरणें एक हीलिंग एनर्जी वह आत्मा को देंगे। यह मनसा सेवा शक्तियों का दान देने से जो रोगी बीमार आत्मा है उनको वह बीमारी या रोग से लड़ने के लिए एक मानसिक शक्ति मिलेगी और इस हीलिंग एनर्जी से वह आत्मा की शारीरिक पीड़ाएं हैं, दुख है, दर्द है, वह स्वतः ही कम होता जाएगा। इस मनसा सेवा से वह आत्मा की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि उनके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, हील हो जाएगी। वह आत्मा उस बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाएगी एंड रिकवर प्रोसेस में उनको जो पेन है, दर्द है, इस मेडिटेशन से उनका वो पेन कम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को मस्तक के बीच। मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, संपूर्ण एकाग्रचित हो जाएं अपने इस आत्मिक स्वरूप में। अनुभव करेंगे मैं आत्मा स्थित हूं अपने फरिश्ता स्वरूप में। अपने एंजल स्वरूप में मैं एक मुक्तिदाता फरिश्ता हूं। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूं। मैं मुक्तिदाता फरिश्ता हूं। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूं। अभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर, आकाश पार कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते अभी उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। उन हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकल मुझ में समा रहा है और मुझे वरदान दे रहे हैं मुक्ति दाता भव, मुक्ति दाता भव, मास्टर रूहानी सर्जन भव, मास्टर रूहानी सर्जन भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मैं संपूर्ण शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। अभी बाप दादा के साथ बैठ जाएं
और सूक्ष्म वतन में हम इमर्ज करेंगे वह आत्मा को जो रोगी है, कोई शारीरिक बीमारी से दुखी है, निराश हो चुकी है। इमर्ज करेंगे अपने आंखों के सामने, अनुभव करेंगे बाप दादा से एक दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ आत्मा में समाकर मेरे सामने वह आत्मा को मेरे मस्तक और मेरे दृष्टि से वह किरणों का दान मिल रहा है। जैसे कि यह किरणें मुझ आत्मा से निकल वह आत्मा को मिल रही है। अभी अपना हाथ वह आत्मा के सिर के ऊपर रख दें, अनुभव करेंगे मेरे हाथों से दिव्य लाल प्रकाश की किरणें निकल वह आत्मा को मिल रही है और उनके संपूर्ण सूक्ष्म शरीर को मिल रही है। जैसे कि उनका संपूर्ण सूक्ष्म शरीर एक लाल प्रकाश का हो चुका है, परमात्मा द्वारा लाल प्रकाश की किरणें मुझ में समाकर मैं यह किरणें वह आत्मा को अपने हाथों से दे रहा हूं। अभी हम यह आत्मा को परमात्मा द्वारा वरदान देंगे, संपूर्ण निरोगी भव, संपूर्ण निरोगी भव, संपूर्ण सुखी भव, संपूर्ण सुखी भव। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं स्थिति में, मेरे हाथों से यह किरणों का जैसे कि एक फाउंटन फ्लो हो रहा है यह आत्मा में। 2 मिनट तक हम इसी स्थिति में एकाग्र हो जाएंगे, बाबा से लाल प्रकाश की दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समाकर मैं यह आत्मा को दान दे रहा हूं।
अभी देखेंगे। यह आत्मा यह किरणों का अनुभव कर शक्तिशाली महसूस कर रही है। उनके शारीरिक दर्द पेन कम हो चुका है। यह शारीरिक बीमारी को फेस करने के लिए उनका मनोबल भी बढ़ चुका है। वह दिल से मुझ फरिश्ता को और परमात्मा शिव बाबा को दुआएं दे रही हैं। हमें यह अभ्यास दिन में वह आत्मा के लिए 3 से 4 बार करना है। हम इस अभ्यास में एक साथ अनेक आत्माओं को भी इमर्ज कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से वह आत्मा जल्द से जल्द वह शारीरिक या कोई भी मानसिक बीमारी से रिकवर होगी, हील होगी। ओम शांति।